नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द अभ्यर्थियों के एग्जाम हो चुके हैं आरआरसी ग्रुप डी के। कुछ अभ्यर्थियों के एग्जाम शेष रह गए हैं, कुछ जोन के एग्जाम शेष रह गए, जैसे हुबली जोन के एग्जाम शेष रह गए, तो उनके लिए लगातार हम मेहनत कर रहे हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमको एनालिसिस से प्राप्त हुए हैं, लगातार एनालिसिस मैं करता रहा हूं, तो वो सारे टॉपिक्स पर मैं वीडियो बना रहा हूं। कुछ मिनटों की वीडियो रहेगी, लेकिन आपको 2 से 3 नंबर प्रोवाइड करा के जाएगी, तो पूरी वीडियो को देखना। इस वीडियो में आपको बताऊंगा केमिकल फॉर्मूले, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफी शिफ्टों में, हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न इनसे बन रहा है, तो इनको अच्छे से कर लेना। 8 से 10 प्रश्न फॉर्मूले आपको बता दूंगा, काम हो जाएगा। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहेंगे, आप में से कोई भी अभ्यर्थी यदि इस चैनल पर नया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि साइंस की प्रॉपर क्लासेस में लेकर आने वाला हूँ, बिल्कुल डीप में। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको आगे जाके किसी भी एग्जाम में अगर साइंस का पोर्शन आता है, तो आपको सफलता प्राप्त हो सके, क्योंकि कंसेप्ट के साथ मैं साइंस को सिखाने वाला हूँ। आइए इसमें देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर शिफ्ट में पूछे ही जा रहे हैं। तो बात करते हैं आरआरसी ग्रुप डी 2022 में ये एग्जाम चल रहा है 2019 का। तो केमिकल फॉर्मूले की अगर हम बात करें, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है बेकिंग पाउडर, यानी कि खाने का सोडा। खाने का सोडा अलग होता है, धोने का सोडा अलग होता है। तो खाने का सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई NaHCO3, NaHCO3, रट मारो NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। जो हमारे घर में बाई आती है ना खाना बनाने, बाई मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये कौन सा सोडा हो गया, खाने का सोडा हो गया। इसके बाद होता है हमारा वॉशिंग पाउडर, यानी कि धोने का सोडा। इसके बाद होता है हमारा वॉशिंग पाउडर, यानी कि धोने का सोडा, जो कि होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, Na2CO3। और सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या था, NaHCO3, NaHCO3। और सोडियम कार्बोनेट का क्या है, Na2CO3। तो अच्छे से रट मारो मेरे भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3। चलिए ये कौन सा सोडा होता है, धोने का सोडा। अब हम बात करें कास्टिंग सोडा, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH, OH मतलब हाइड्रोक्साइड मतलब क्षार, NaOH, सोडियम बाई हाइड्रोक्साइड, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, याद रहेगा। चलिए ओके जी, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम बड़ी खतरनाक चीज होती है। आपने जादूगर देखा होगा, मैजिशियन देखा होगा, वो पानी में आग लगाते, पानी में आग नहीं लगाते, वो जुगाड़ बनाते हैं, पानी में आप एने को फेंक दो तो धमाका होता है, एकदम से आग लग जाती है। तो वो कोई मैजिशियन नहीं होता, वो एक तरह का केमिकल फंडा होता है, साइंस का चमत्कार है भाई, साइंस का चमत्कार है NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। चलिए ड्राई आइस की बात करें, तो ड्राई आइस का फॉर्मूला होता है, जो सॉलिड CO2 होती है, सॉलिड CO2 होती है, उसको बोलते हैं ड्राई आइस, बोलते हैं क्या, बोलते हैं ड्राई आइस, ठीक है। और दो फॉर्मूले तो आपको हमेशा रटे रहते हैं, आर्ट वालों को, कॉमर्स वालों को, कौन से, H2O वाटर का फॉर्मूला, NaCl किसका फॉर्मूला, नमक का फॉर्मूला। आइए अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कॉपर सल्फेट और उसमें वाटर के दो मॉलिक्यूल, वाटर के दो मॉलिक्यूल, यानी कि CaSO4 2H2, CaSO4 2H2। अगर आप इसमें से 1.5 अणु निकाल देंगे वाटर का, तो ये क्या बन जाएगा, POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaSO4 और हाफ अणु किसका, वाटर का। फिर से जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 और दो वाटर के अणु, जिसमें से 1.5 अणु आप निकाल दोगे तो क्या बनेगा, POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। रट मारो, एग्जाम में आ रहा है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, और SSC का तो ये बहुत बड़ा फैन है। इसके बाद आते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या करती है मेरे भाई, क्लोरोफॉर्म बेहोश करने का काम करती है, बेहोश करने का काम करती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, यानी कि ट्राइक्लोरोमीथेन, CHCl3, ठीक है भाई। आइए अगला जो होता है लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस, जिसको हम बोलते हैं हंसाने वाली गैस, इसका फॉर्मूला होता है N2O, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, क्या बोलते हैं भाई, नाइट्रस ऑक्साइड, ओके जी। विनेगर, एसिटिक अम्ल, CH3COOH, CH3COOH, यानी कि एसिटिक अम्ल, ये घरों में बहुत उपयोग किया जाता है, जो प्याज के ऊपर रेड कलर का होता है, जिसको बोलते हैं सिरका। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, CH3COOH। एक बार रिवाइज करा लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, यानी कि खाने का सोडा, बाई मतलब खाने का सोडा, खाना बनने वाली बाई। वॉशिंग पाउडर, यानी कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कास्टिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें सोडियम बड़ा खतरनाक होता है, पानी में आग लगा देता है, धमाका कर देता है, याद रखना मेरे भाई, NaOH, यानी कि क्षार।
ड्राई आइस यानी कि सॉलिड CO2, सॉलिड CO2, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और वाटर के दो मॉलिक्यूल, याद रखना दो मॉलिक्यूल, जिसमें से डेढ़ अणु निकाल दोगे तो POP बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि कैल्शियम सल्फेट 1/2H2। क्लोरोफॉर्म CHCl3, CHCl3 यानी क्लोरो, क्या बोलते हैं इसको, ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। लाफिंग गैस N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। विनेगर का क्या होता है, एसिटिक अम्ल CH3COOH, यानी कि घरों में उपयोग, यानी कि सिरका जो कि प्याज के ऊपर है। तो ये पूरे फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में पूछे ही जा रहे हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, चाहे वाले वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वाले वो SSC का एग्जाम हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और साइंस की प्रॉपर बेसिक कंसेप्ट के साथ क्लासेस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।